हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, परीक्षा तो निपट गई है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और कहा जाए कि वास्तव में हमने कहा था कि खनिज पढ़ के जाना। देखो, खनिज से ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न आए हैं, और जो इतिहास में मैंने कहा था कि इतिहास अच्छे से देखना, और वास्तव में इतिहास में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और मैंने आपको कई बार बताए भी थे कि आप लोग कोडिंग से पढ़ के जाएं। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर कोई भी है कोडिंग से अगर पढ़ेंगे तो जल्दी आपको तैयार होगा। जैसे कि ये हमने बताया था कि गुख तुशल, ये मैंने बताया था आपसे कि गास हो गया, गुलाम वंश हो गया और खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया और इसके बाद सैयद वंश हो गया। सैयद वंश, तो देखो एक चीज जान लो, और लोधी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब यही से उठा के देखो रखे गए क्वेश्चन है, जैसे कि सैयद वंश का पूरा एक क्वेश्चन यहीं से बन गया था। एक तो मैचिंग आए था कि कौन कौन आया था, ये क्वेश्चन देखो आया भी है, आप लोग देख ही रहे हैं, और हमने बताया भी है, इसको पढ़ाए भी थे हम, और बहुत अच्छे से इसको हमने तैयार करवाए। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे, कुछ लोग तो बहुत अच्छा किए हैं, इतिहास में जो भी हमने प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्न आए हैं। जैसे इसमें क्या था कि जैसे खिज्र खां, जैसे कि यहाँ देखिए आप कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे खिज्र खां, खिज्र खां, ये मैचिंग में आ जाएगा, और खिज्र खां के बाद कौन सा आएगा, मुबारक शाह आएगा, मुबारक शाह, मुबारक शाह आएगा, और मुबारक शाह के बाद कौन आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ भी गया, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है, और ये हम सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कारण ये इतिहास के लगभग प्रश्न जो मैंने पढ़ाए हैं वो आए हैं। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि भारत में पहली बार, देखो हमने ये भी बताए थे, ये तो क्लास के दो दिन पहले बताए थे हम, एग्जाम के, मतलब एग्जाम के दो दिन पहले, भारत में पहली बार जनगणना करवाने वाला कौन गवर्नर जनरल था, जनगणना कराने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये भी देखो क्वेश्चन आया है ना, पहला अगर पूछे तब तो यहां पर लॉर्ड मेयो हो जाएगा, और ये 1872 में कराई थी। लेकिन जब स्थाई पूछा जाएगा, हमने ये भी बताया था, जब स्थाई पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्थाई और 10 साल, यानी हर 10 साल बाद जनगणना होती है, यहाँ निश्चित टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ पर निश्चित समय था कि हर 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हो गई थी। ठीक मित्रों, देखो ये भी क्वेश्चन आया आपका, है ना। तो लगभग देखा जाए इतिहास के प्रश्न जो मैंने बताए हैं आपको, यहाँ से लगभग प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आज हम फिर आप लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग युद्ध स्तर से लग जाइए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। देखो ये क्वेश्चन आया कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किस कार्यकाल में पहली बार जनगणना, तो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड लिट्टन है, लॉर्ड मेयो है। तो याद रखना लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन का अगर यही चीज़ पूछी जाती कि लॉर्ड डफरिन ने क्या किया है, तो मित्रों याद रखना कि लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और लॉर्ड लिट्टन, आगे चल के क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय आया था। भारत का यानी कि कहा जाए सबसे कट्टर में अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर यही आता था। और लिखा देखिए एक चीज और याद रखना,
सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञाता कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग्स था, ठीक है। और इसके बाद इसका नंबर आता लाल लिट्टन का, ठीक है। तो मेरियन ओरिडित करके एक उपाधि इसको मिली हुई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि वर्नाकुलर प्रेसेप्ट इसी के समय बना था, लेकिन रिपन ने उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और फिर देखो पूछा गया, तो ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज, वास्तव में देखा जाए कि पेपर बहुत आसान आया, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन हाँ पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। कथन कारण वाले आप लोगों को क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, और कथन कारण अब अच्छे से तैयार करके जाइए। देखो पीसेस का अब उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे औरंगजेब के विषय में, औरंगजेब के विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं, उसके विषय में आपको आज अच्छे से बता दें, जिससे कि औरंगजेब से जब भी यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे पीसस में तो यहाँ से गड़बड़ ना हो। तो देखो औरंगजेब, औरंगजेब ये हमारा टॉपिक है क्योंकि हम लोग शाहजहां पढ़ चुके थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। वास्तव में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो कहा जाए कि इसने अपने भाई को, यानी कि क्या किया था, भाई को दारा शिकोह को, ध्यान देना, दारा शिकोह को, मुराद को, इन दोनों को मारने के बाद, देखो एक चीज और याद रखना, एक खजुआ का युद्ध हुआ और एक देवराई का युद्ध हुआ। तो देवराई में इसको दारा शिकोह का, मुराद को खजुआ के युद्ध में मारने के बाद ये सत्ता प्राप्त करता है। और दूसरी चीज, अपने पिता को, क्या किया था, कारागार में डाल दिया, और 8 वर्ष तक, यानी कि वही कारागार में रहा। और इसके बाद ये जब राज्याभिषेक अपना करवाता है तो कहा जाए कि 21 जुलाई, 21 जुलाई और 5 जून 1658 और 1659, ऐसा मुगल बादशाह कौन हुआ जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? तो याद रखना कि ये औरंगजेब था, कि 21 जुलाई 1698 में और 5 जून 1659 में। अब क्वेश्चन बन सकता है कैसा, कि जैसे कि कथन कारण में अगर क्वेश्चन बनेगा तो देखो ध्यान देना कि जैसे ये पूछा जाएगा कथन में और कारण में, जैसे पूछ दिया जाएगी कि औरंगजेब ने अपने भाई को, अपने भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी, और उसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो बात सही है, दोनों सही है। और जब व्याख्या होगी तो मित्रों क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब दोनों सही है और व्याख्या करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोनों अगर सही होते, अगर दोनों इस जगह सही होते और व्याख्या ना करते तो आंसर बी होता, और अगर ए सही होता आर गलत होता तो आंसर आपका सी होता। और अगर आर आपका, देखो कारण सही होता, कथन गलत होता तो आंसर डी होता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे चल के, क्योंकि अब कथन कारण पर ज्यादा ध्यान देना, लेकिन बेस तैयार अगर है तभी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। कौन, आप देखो फिर ध्यान देना कि औरंगजेब, एक चीज याद रखना कि औरंगजेब जो था, जिस समय सत्ता प्राप्त करता है तो गद्दी पर बैठने के बाद ऐसा कौन मुगल बादशाह था, है ना,
मुगल बादशाह। जिसने 80 करों को समाप्त किया, 80 करों को समाप्त किया था। देखो ध्यान देना, कौन ऐसा था 80 करों को समाप्त कर दिया था, 80 करों को समाप्त किया। तो मित्रों याद रखना, यही था औरंगजेब कि गद्दी पर बैठा और 80 करों को समाप्त किया था। और कहा जाए कि औरंगजेब के समय, यानी कि चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, यहाँ पर अब ये देखो युद्ध प्रारंभ होते हैं। अब औरंगजेब का किससे किससे हुआ था, या मुगल मुगलों के और किससे, सिखों। अगर यहाँ मुगल और सिख, देखो ये क्वेश्चन आएगा, फिर एक चीज बता दें, ये क्वेश्चन 100% मुगल और सिख, सिखों के संबंध कब खराब हुए। अगर देखा जाए मुगलों और सिखों के संबंध कब खराब हुए थे, तो मित्रों याद रखना जहांगीर के समय। किसके समय हुए थे, तो जहांगीर के समय। अब एक चीज याद रखना कि जहांगीर के समय कैसे संबंध खराब हुए, क्योंकि जहांगीर के समय याद रखना कि दारा सिखो नहीं दा ये खुसरो, खुसरो को, यहां पर ध्यान देना कि खुसरो को अपना आशीर्वाद और संरक्षण दे दिया था। किसने दिया था, तो अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने अपना आशीर्वाद और संरक्षण दे दी थी। क्योंकि अब एक कारण और था, ये जगह क्या हुआ कि जहांगीर जब पीछा कर रहा था अपने बेटे का मारने के लिए, तो अर्जुन, अब अर्जुन देव के यहां जब शरण ली, तो उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और संरक्षण भी दे दिया। अब जहांगीर इसी से ईर्ष्या करने लगा, उसने 50,000 का इन पर ये फतवा जारी के, 50,000 आपको जुर्माना होगा, कुछ लोगों को मानना 2 लाख का जुर्माना। तो इसके बाद उनने देने से मना कर दिया, और इसके बाद जहांगीर ने अर्जुन देव को कैद किया था। ये क्वेश्चन आएगा कि जहांगीर ने औरंगजेब को कहाँ कैद किया था, तो ग्वालियर के किले में। तो ग्वालियर के किले में जब कैद किया, तो यहीं पर इनको फांसी दे दी जाती है। तो अर्जुन देव को फांसी दी गई। लेकिन अब देखो यहां पर क्या हुआ, औरंगजेब के समय क्या हुआ था कि गुरु तेग बहादुर, देखो ध्यान देना, पहले 10 गुरु जान लो, गुरु नानक, यहां तक सब सही था, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इतने गुरु हुए मित्रों। ठीक है, अब देखो यहां से संबंध अच्छे रहे, यहां अंगद के सही रहे, अमरदास के, गुरु रामदास के, संबंध यहीं से बिगड़ गए, मुगलों के संबंध यहां से बिगड़े। और कहा जाए इसके बाद इनके संबंध बिगड़ते रहे। यहां पर जहांगीर का समय था, और यहां पर याद रखना शाहजहां का शासनकाल था, यहां संबंध बिगड़े और ये संबंध बिगड़ते रहे। फिर इसके बाद गुरु तेग बहादुर, मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसस में कई बार कि गुरु तेग बहादुर, ध्यान देना कि गुरु तेग बहादुर को किसने सर कलम किया था, है ना,
और ये भी है, कौन ऐसा सिख धर्म का था जिसका सर कलम किया गया। बहुत लोग लगा देते हैं गुरु अर्जुन देव को, है ना, तो गलत हो जाएगा। लेकिन सर कलम की बात आएगा तो गुरु तेग बहादुर सिंह को लगाना, ठीक है, इनका सर कलम किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह, देखो यहां पर सिंह शब्द लगा है, पहली बार सिंह शब्द लगा। यहां पर भी देखो, औरंगजेब का दोनों जगह युद्ध चला था। औरंगजेब ने क्या किया था, ध्यान देना, दो सिख यानी गुरु तेग बहादुर के समय भी युद्ध हुआ, और कहा जाए इनको यानी कि एक तख्ते पर खड़ा करके और कहा जाए इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो कौन सिख गुरु का सर कलम किया गया, तो गुरु तेग बहादुर लगाएंगे। फिर इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे थे, दो बेटे युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, और दो बेटे जो थे इनके दीवाल में जिंदा चुनवाए गए। यानी कि जब दीवाल में जिंदा चुनवाए जा रहे थे पर्लर, यानी कि जब चुनवाए जा रहे थे, ये दोनों भाई खड़े थे, अब चुनवाए जा रहे हैं, तो एक भाई इसमें जो था यानी कि बड़ा वाला रोने लगा। जब वो रोने लगा तो औरंगजेब ने ये कहा, क्यों नहीं तुम धर्म इस्लाम स्वीकार करते, अपने पिता के कहने पे लगे हुए हो, तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हें मनसब मिलेगा और इसके बाद आराम से तुम शासन करना अपना। लेकिन वो बोला कि हम इस वजह से नहीं रो रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं, रो हम इस वजह से रहे हैं कि आज मेरा छोटा भाई मेरे सामने यानी कि ये जिंदा चुनवाया जा रहा, अगर आप कर सकते हो तो इतना करो कि पहले मुझे दीवाल में जिंदा चुनवा दीजिए और इसके बाद मेरा भाई चुनवाया जाए। मित्रों ये समझो, ये चीज उसको भी लगा कि वास्तव में, क्योंकि उस समय जो उन्हें करना है तो करना है, यहां भावनात्मक वो रिश्ते नहीं देखते थे। लेकिन बाद में ने दोनों पर्दा चुनवाया जाता है दोनों को दीवाल में, ठीक है, और दोनों भाई दीवाल में जिंदा चुनवा दिए जाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म गुरु गोविंद सिंह ने स्वीकार नहीं मित्रों किया था, यानी जिसके चार बेटे खो गए लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और पहली बार यानी कि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यह भी याद रखना। और जो गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था बंदा बहादुर, वो अंत तक लड़ा, और लड़ते हुए कहा जाए बाद में बंदी बनाया जाता है। एक बार तो लोहगढ़ के किले पर जिस समय वो पराजित होता है बहादुर शाह प्रथम, तो उस समय तो वो किसी तरीके से भाग बच जाता है। लेकिन मित्रों फिर अगली बार जब युद्ध होता है तो फर्रुखसियर के समय, तब वो बंदी बना लिया जाता है और कहा जाए उसे मारा जाता है और हाथी के पैरों के तले कुचला दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ऐसा हुआ था। तो औरंगजेब के विषय में मैंने बताया कि औरंगजेब बहुत कट्टर था, औरंगजेब बहुत कट्टर था, और कहा जाए कि इसने ये कहा था कि अगर कोई भी इस्लाम के विरुद्ध जाएगा तो उसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया था कि दंड मिलेगा। दूसरी चीज ये कि इसने अपने भाई को, जब दारा शिकोह को, याद रखना जिस समय दारा शिकोह को मारा था, याद रखना कि दारा शिकोह को मारने के बाद इसे गधे पे बैठा के चारों तरफ घुमाया गया, और जब घुमाया जाता है तो बदायूनी ने खुद लिखा था कि एक शहजादे की इस तरीके से मौत मैंने पहली बार अपने आंखों से देखी, यानी कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं बचा, ठीक, और ऐसा इसकी मौत मतलब दी औरंगजेब ने। और कहा जाए कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक राजपूत सेना किसके पास थी, तो इसी के समय सर्वाधिक राजपूत सेना इसी के पास थी। और कहा जाए इसने यानी कि औरंगजेब ने चित्रकला पर रोक लगा दी थी, यह भी मित्रों याद रखना कि चित्रकला पे इसने रोक लगा दी। और कहा जाए कि सर्वाधिक चित्रकला अगर देखा जाए इसी के समय हुई। लेकिन एक चीज और
याद रखना कि इसने कहा था कि चित्रकला को इतना दफन कर देंगे कि इसका नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन मित्रों उतना ही ज़्यादा ये चित्रकला इसी के समय हुई भी। लेकिन इसके समय चित्रकला कैसी थी, युद्ध करते हुए चित्रकला किसके समय की थी, तो औरंगजेब को लगा के आना, ठीक है। दूसरी चीज, सर्वाधिक साहित्य ग्रंथ किसके समय रचना हुई है, तो इसी के समय हुई है सर्वाधिक साहित्य ग्रंथ, ठीक, तो यह भी याद रखना। दूसरी चीज कहा जाए कि औरंगजेब का और देखो किसके किसके साथ युद्ध हुआ है, तो यहां यह भी ध्यान देना कि औरंगजेब ने देखो नंबर एक पर सिख, नंबर दो पर मराठे और नंबर तीन पर जाटों पर, ठीक है। तो इनसे युद्ध इनके हुए थे और दक्षिण भारत में भी गया। अब दक्षिण भारत में उस समय राज कौन कौन थे, तो ये चीज याद रखना, जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, बरार, ये सब थे, ठीक। तो कहा जाए कि जिस तरीके से अहमदनगर को यानी कि सोने की कहा जाए कि चाबी से खोला गया, ठीक, उसी तरीके से गोलकुंडा को किसके समय, औरंगजेब के समय खोला गया, इन दोनों को बीजित किया था, ठीक है। तो याद रखना बीसी यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा किसने बीजित किया, इसने बीजित करके अपने राज्य मिला लिया था, और ये तो अकबर के समय ही मिल गया था, इनको भी इसने कब्जा किया, बीदर को भी, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब मराठे में देखो औरंगजेब ने मराठों में किससे किससे किया था युद्ध, तो मराठों में ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठों में देखो शिवाजी, संभा, फिर राजाराम, ताराबाई। मित्रों याद रखना कि शिवाजी को खुद औरंगजेब ने पराजित नहीं किया था, किसको भेजा था, जयसिंह को भेजा, और उसके पहले किसको भेजा था, तो शाइस्ता खां को भेजा था, और ये पराजित हो जाता है, ठीक है। जब पराजित हो जाता, रिश्ते में मामा था, और शाइस्ता खां ने ये कहा था कि अभी कल का छोकरा भी हम पकड़ के लाते हैं इसको, शिवाजी को, ठीक, लेकिन खुद ये अपने बेटे के तो प्राण गंवा दिए और किसी तरीके से भाग गया, अंधेरे का फायदा उठा के एक अंगूठा कटवा दिया था, इनका कट गया था, और कहा जाए इसके बाद जयसिंह को भेजा। तो मित्रों याद रखना, चाहे अकबर हो चाहे औरंगजेब हो, इन दोनों ने अगर देखा जाए कि राजपूतों को पराजित किया है, तो राजपूत को ही वहां पर खड़ा किया था। अकबर ने क्या किया था, जिस समय महाराणा प्रताप से युद्ध हो रहा था, तो अकबर स्वयं नहीं युद्ध करने गया था, किसको भेजा था, मानसिंह को। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में, तब किसको भेजा था, तो मानसिंह को भेजा था। और यहां पर याद रखना कि यहां पर किसको भेजा था, 1665 में, तो याद रखना जयसिंह को भेजा था। और जयसिंह शिवाजी के बीच जब युद्ध होता है, तो मित्रों इसमें शिवाजी की पराजय होती है, ठीक है। जब शिवाजी हालांकि काफी युद्ध में परांगत थे, छापामार युद्ध में कहा जाए कुशल नेतृत्व किया था, लेकिन इस जगह ये पराजित होते हैं, और कहा जाए इनके बीच एक पुरंदर की संध होती है। कौन सी संध होती है, तो पुरंदर की संधि, याद रखना पुरंदर की संधि किसके बीच होती है, ये कई बार पूछा गया है,
तो 1665 में याद रखना कि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की जब संधि हुई तो वहां एक विदेशी उपस्थित था, उसका नाम क्या था, तो मनुची था। कौन उपस्थित था, तो मनुची, मनुची यहां उपस्थित था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कथन कारण में आ भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज, और इसके बाद जयसिंह ने ये कहा कि आपको यानी कि आगरा आना है, और आगरा जब गए और औरंगजेब से भेंट करवाने के लिए, तो यहीं पर औरंगजेब ने एक सामान, यानी कि ये सामान एक लाइन लगी थी मनसबदारों की, उसी लाइन में यानी कि यहाँ पर दोनों लोगों खड़ा कर दिया। किसको किसको खड़ा किया था, यानी कि शिवाजी और संभा को जब खड़ा किया, यानी बाप बेटे को, और एक आम जनता वाली जो मनसब वाली थे, इसका शिवाजी ने विरोध किया। कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक यानी कि बादशाह हैं, तो मैं भी एक राजा हूं, और एक राजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हैं। मित्रों, इसी जगह विरोध किया, और कहा जाए जय महल नामक एक आगरा महल, वहीं पर इन्हें बंदी बना दिया जाता है, और 1666 में ये वहां से बंदी कारागार से निकल के किसी तरीके से ये फल की टोकरी में बैठकर निकल आते हैं, और आने के बाद और दोबारा फिर औरंगजेब के पास एक प्रस्ताव भेजते हैं कि सबसे पहले एक राजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर इस पर आप तैयार हैं तो मैं पुनः आपके दरबार में आने के लिए राजी हूं, ये बात कह दी। तब औरंगजेब को झटका लगा कि वास्तव में आपके अंदर सारे राजा के गुण हैं, और इसी बात पर प्रभावित होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। मित्रों याद रखना, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने। और आगे चल के राजा राम मोहन राय को भी आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। दोनों ये याद रखना, ठीक है, कथन कारण में आ जाए तो दोनों याद रखना, ठीक। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि संभा को बाद में देखो, शिवाजी बाद में इनकी जब मृत्यु होती है, इसके बाद संभा बैठता है, और संभा जब बैठता है 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके 1680 से 89 तक ये बैठ जाते हैं, ठीक है। तो संभा बैठता है, तो संभा को औरंगजेब ने यानी कवि कलश था, इसका गुरु कौन था, तो कवि कलश, कवि कलश के साथ संभा पकड़ा जाता है, और बाद में औरंगजेब इनको दोनों को मरवा देता है, ठीक है। तो यहां पर ये समाप्त हो गए। अब इसके बाद राजा राम, तो राजा राम से युद्ध होता है, तो राजा राम भी पराजित हो जाते हैं, और कहा जाए कुछ समय बाद इनकी तो खैर अपने आप मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसके बाद ताराबाई, ताराबाई ने भी औरंगजेब से युद्ध किया था, लेकिन पराजित हो जाती। तो मित्रों यह याद रखना, ये थे आपके कौन, मराठों का इतिहास रहा। अब इसके बाद जाटों का याद रखना, देखो जाटों में गोकुल था, यहां पर कौन कौन था, तो गोकुल था, गोकुल और रामदास और चूड़ामन, इनको जरूर चूड़ामन, ये तीन, ठीक है। तो कहा जाए गोकुल को किसने मरवाया था, तो औरंगजेब के समय ये भी मारे गए, और रामदास को याद रखना, रामदास ने क्या किया था कि अकबर की कब्र को, यानी क्या सिकंदराबाद में अकबर की कब्र थी, उस कब्र को खोदा, अकबर की हड्डियां निकाली और उसको जला दिया था। इससे क्रोधित हुआ और कहा जाए कि औरंगजेब ने रामदास को मरवा दिया था, तो ये भी मारा गया, ठीक है। आगे ये चूड़ामन आते हैं, फिर वो तो अलग आ गया। तो ये चीज याद रखना, ये दोनों समाप्त हुए किसके समय,
औरंगजेब के समय। तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इनको याद रखना मराठों को। अब दक्षिण भारत में औरंगजेब को गोलकुंडा बीजापुर दोनों जगह सफलता मिल जाती है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। वास्तव में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा, एक चीज और याद रखना औरंगजेब के विषय में, ये आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है, आलमगीर, आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अबुल मुजफ्फर आलमगीर, ठीक, औरंगजेब पादशाह, ये उपाधि इसकी थी, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि औरंगजेब जिस समय बैठता है तो कहा जाए कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो वसीयत लिख कर मरा था, वसीयत, वसीयत लिखकर मरने वाला कौन था, लिखकर कौन मरा था, तो औरंगजेब मरा था। इसके समय सर्वाधिक प्रांतों की संख्या थी, सर्वाधिक प्रांतों की संख्या किसके समय थी, सर्वाधिक प्रांतों की संख्या औरंगजेब के समय थी। मित्रों कितने थे, 21 प्रांत थे, ठीक है, कितने प्रांत थे, तो 21 प्रांत थे इसके समय, ये चीज याद रखना। प्रांतों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के समय थी, 21 प्रांत थे, तो ये चीज याद रखना। दक्षिण भारत औरंगजेब कैसे पहुंचा, कि एक इसका बेटा था दक्षिण भारत, देखो याद रखना, जब दक्षिण भारत पहुंचा तो इसका बेटा था अकबर। अब अकबर वो ना लगा देना, ये अकबर दूसरा है, इसका पीछा करते करते ये पहुंच जाता है, और कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ही फिर इसे मौका नहीं मिला कि दोबारा उत्तर भारत में आए, दक्षिण भारत में ही इसकी कब्र साबित हुई। मित्रों याद रखना कि दक्षिण भारत में एक जगह थी अहमदनगर, अहमदनगर में इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। और एक चीज याद रखना कि औरंगजेब के तीन बेटे, चार तो, एक तो वो अकबर, वो तो अलग हो गया, तीन बेटों में युद्ध होता है, देखो कौन कौन, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। देखो औरंगजेब ये जान रहा था, औरंगजेब क्या जान रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने किया है वही आगे चल के मेरे बेटों के साथ हो, क्योंकि देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, जैसो को तैसा जवाब निश्चित है। चाहे प्राचीन काल के इतिहास आप उठा के देखिए कि हर्यक वंश में बिम्बिसार की हत्या करी किसने, की बेटे ने, नाम क्या था, अजातशत्रु। तो जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो क्या अजातशत्रु बचेंगे, उसकी हत्या किसने की, उसके बेटे ने, उदयन ने हत्या कर दी। इसी तरीके से औरंगजेब ने भी बहुत गलत किया, अपने दो भाइयों को मारकर, यानी कहा जाए सुजा, देखो ध्यान देना, दो भाई मारे इसने, सुजा को, है ना, और मुराद एक भाई और था, मुराद, और दूसरी चीज एक भाई और इसका जो सबसे योग्य था, दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह सबसे बड़ा था, ठीक, दारा शिकोह सबसे बड़ा था, ये तो औरंगजेब से भी बड़ा था। और कहा जाए जब दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि मिली थी, शाह बुलंद की उपाधि, अगर पूछा जाए मुगल काल में सर्वाधिक पढ़ा लिखा कौन था, तो दारा शिकोह था, तो शाह बुलंद की उपाधि मिली थी, और औरंगजेब को बहादुर की उपाधि मिली थी, बहादुर की। देखो तो ये दोनों उपाधियां जो थी किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी। शाहजहां को ये लग रहा था कि मेरे दो बहादुर, एक तो बहादुर बेटा यानी कि लड़ाई झगड़े में बहुत आगे था, और एक तो इसका बेटा जो दारा शिकोह यानी कि बुद्धिजीवी व्यक्ति था, और अगर शिवाजी यानी कि कहा जाए शाहजहां की चलती तो हो सकता है कि वो दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाते। लेकिन मित्रों हुआ क्या कि यहां पर शाहजहां को कारागार में डाल दिया,
और इसके कारागार डालने के बाद शुजा को भी मार दिया, मुराद दारा सिकोई ने सबे मार कर और स्वयं अपना राज्यभिषेक करवाता ये। तो ऐसा इसने किया और अपने भाई के तो बहुत दर्दनाक मौतें दी। तो यही चीजें इसको अंदर अंदर एक डर था, डर ये था कि वास्तव में कि कहीं मेरे साथ भी यही घटना ना घटे। और हुआ यही कि औरंगजेब जैसे खत्म होता है 1707 में, मित्रों यहां पर मुअज्जम ने आजम को एक जाजो का युद्ध हुआ था, जाजो के युद्ध में 1707 में मार कर और सत्ता प्राप्त की इसने, और यही बना था आगे चल के कौन सा, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया। अब देखो इसको भी मार दिया, यानी मुअज्जम ने इसको भी मार दिया, यानी कि दो भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी मुअज्जम ने, और बहादुर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो ये चीज याद रखना। तो यही सब है, जैसा करोगे वैसा निश्चित है कि मिलना तय है, ठीक है, किसी को तुरंत मिलता है किसी को थोड़ा देर में मिलता है। और दूसरी चीज, अब पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कथन कारण पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, और कल जैसे पेपर ये बनेंगे कथन कारण पे कैसे प्रश्न बने हैं उनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है, कि आगे चल के आपको कथन कारण पर कैसे ध्यान देना है। हाँ एक चीज और याद रखना, औरंगजेब के समय मीर जुमला ये कहाँ का बस वो बना दिया था नवाब, इसको कहाँ बना दिया था, सूबेदारी दे दी गई थी तो बंगाल की, बंगाल का सूबेदार बना दिया था, और मीर जुमला के बाद शाइस्ता खां को बनाया था, ठीक है, तो शाइस्ता खां को बाद में बनाया। तो मीर जुमला ने अहोमों के युद्ध में इनको पराजित किया था, कहा जाए इसी के समय युद्ध भी हुआ था असम में। तो ये चीज याद रखना। औरंगजेब के विषय में कल और हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, वास्तव में कट्टर बादशाह था लेकिन 80 करों को समाप्त किया था मित्रों। और एक चीज याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर किए समाप्त, लेकिन पूरे अगर दिल्ली सल्तनत काल को मुगल काल में मिला दिया, दोनों का अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक करों को समाप्त करने वाला कौन था, तो याद रखना कि औरंगजेब को लगा के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज, और दूसरी चीज सम्राट बड़े की बात करेंगे, तो अगर इसका मोहम्मद बिन तुगलक का उसके समय 23 प्रांत थे और मुगल काल में औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे, यानी कि उस समय सबसे बड़ा शासनकाल किसका, मतलब सम्राट किसका भूक्षेत्र पर था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत काल में। मुगल काल में पूछा जाए सबसे बड़ा सम्राट किसका था, यानी कि देखा जाए भूक्षेत्र पर यानी शासन करने वाला कौन था, तो औरंगजेब था। औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और एक चीज, राजपूतों से इन दोनों ने यानी कि काफी कुछ सहायता प्राप्त हुई थी, और यही कारण रहा चाहे अकबर हो चाहे औरंगजेब हो, और इसी वजह से इन लोगों ने लंबे समय तक शासन भी किया था, क्योंकि उनसे मित्रता बना चले ये लोग। और कहा जाए कि अकबर ने लगभग 50 और इसने भी लगभग 49 वर्ष पूरा शासन किया था, यानी काफी लंबे समय तक शासन किए। तो कल हम लोग इनके विषय में और महत्वपूर्ण चीजें देंगे कि इनका शासन प्रशासन साहित्य भी इनका बताएंगे, है ना। कल इनके विषय में पूरी विधिवत चर्चा होगी, कल पुनः फिर हम लोग मिलते हैं और पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, जैसे इनसे क्वेश्चन बने हैं वैसे हम लोग सॉल्व करवाएंगे। और अब कथन कारण पर विशेष आप लोग ध्यान देना, ठीक है, मिलते हैं कल पुनः अगली वीडियो में।